नमस्कार दोस्तों, ऑटो कंपेयर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लिए कंपैरिजन लेके आए हैं टाटा टियागो की 2020 और मारुति सुजुकी की वैगन आर के बीच में। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है बाइक करने के लिए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले डिजाइंस के साथ। तो टाटा टियागो 2020 दोस्तों ये एक हैचबैक डिजाइन कार है जिसके अंदर 5 लोग के लिए बैठने की जगह दी गई है। इसके अंदर आपको 170 mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है, 242 लीटर का बूट स्पेस और इस बार टाटा टियागो की 2020 वाले मॉडल में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। वहीं बात करें वैगन आर की डिजाइन के साथ तो दोस्तों ये एक टॉल बॉय डिजाइन कार है जिसको हम वैगन कार भी कहते हैं। इसके अंदर 5 लोग के लिए बैठने की जगह दी गई है, 165 mm का शानदार ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिलता है और आपको 341 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज की इस कंपैरिजन में हमने ली है टाटा टियागो 2020 की XZA प्लस मॉडल जिसकी कीमत है 6 लाख रुपए और वहीं वैगन आर की हमने ली ZXI AMT मॉडल और इस कार की कीमत है 6 लाख रुपए। तो दोनों ही सेम प्राइस सेगमेंट की कार है, लेकिन कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरुआत करेंगे इंजन के साथ। तो आपको टाटा की टियागो 2020 मॉडल में आपको देखने को मिलता है 1200 सीसी का रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन जो कि 84 BHP का पावर जनरेट करती है विद द टॉर्क ऑफ 114 न्यूटन मीटर। वहीं बात करें वैगन आर की तो इसके अंदर आपको 1200 सीसी का K12 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि 81 BHP का पावर जनरेट करती है विद द टॉर्क ऑफ 113 न्यूटन मीटर। तो बात करें यहाँ पर क्या फ़र्क है, तो यहाँ पर आपको वैगन आर में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है उसी प्राइस पे, जबकि आपको टियागो 2020 में 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। बात करें ट्रांसमिशन तो दोनों में 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जबकि आपको टाटा टियागो 2020 में इस बार मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, लेकिन वैगन आर में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसी प्राइस पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों ARI माइलेज की बात की जाए तो टाटा टियागो 2020 23 किलोमीटर प्रति लीटर का ARI सर्टिफाइड माइलेज देती है, जबकि वैगन आर में आपको 21 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात की जाए यहाँ पर हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पस, तो यहाँ पर आपको टाटा की टियागो 2020 में 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है और 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें वैगन आर तो इसके अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले इसमें भी देखने को मिल जाता है और ये भी एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अंदर मात्र आपको 2 स्पीकर ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि इसका इंटीरियर आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। बात की जाए सेफ्टी के मामले में तो सबसे पहले मैं आपको दोनों का ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग दिखा देता हूँ। दोस्तों सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए तो टाटा की टियागो 2020 में आपको लगभग 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने को मिल जाते हैं और वहीं आपको वैगन आर में 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर बात करें सेफ्टी परपज़ जान है तो जहान है, तो उसके लिए हमें टाटा टियागो 2020 ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा आपको। दोस्तों बात की जाए सबसे पहले हम लोग सेम फीचर क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो आपको दोनों ही गाड़ी में 2 एयरबैग, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर दोनों ही कार में देखने को मिल जाते हैं। अब आपको टाटा की टियागो 2020 में कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, मैं उसका नाम बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, आपको इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ये फीचर है जो कि आपको टाटा टियागो 2020 में देखने को एक्स्ट्रा मिलते हैं। वहीं बात करें हमें वैगन आर में क्या एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे सेफ्टी के नज़रिए को देखते हुए, तो आपको वैगन आर में एंटी थेफ्ट अलार्म देखने को मिल जाता है और स्पीड अलर्ट सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें दोनों ही गाड़ी सेम प्राइसिंग की कार है, दोनों में क्या फ़र्क है, तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताने चाहता हूँ। सबसे पहला फ़र्क है इंजन का, तो आपको जहाँ वैगन आर में 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है वहीं टाटा की टियागो 2020 में 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। दूसरा फर्क है डिज़ाइन, डिज़ाइन वाइज बात करें तो टियागो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू वैगन आर, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन में बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा आपका डिफरेंस है वो है सेफ्टी पैटर्न, यहाँ पर सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही सेम सेफ्टी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन टियागो 2020 में ज़्यादा बेहतर बॉडी डिज़ाइन और ज़्यादा बेहतर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें एंटरटेनमेंट सेक्शन में तो आपको यहाँ पर 4 स्पीकर्स टियागो 2020 में देखने को मिल जाते हैं, जबकि आपको 2 स्पीकर वैगन आर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम बात ट्रांसमिशन, तो आपको अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सस्ते में चाहिए तो आप वैगन आर ले सकते हैं, वहीं आपको टियागो में मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। दोस्तों ये है पूरे डिफरेंस जो कि दोनों गाड़ियों के बीच में है। अब डिसाइड आपको करना है कौन सी गाड़ी आपको लेनी है, तो आपको कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑटो कंपैरिजन को, आपके लिए राइट कार चूज करते हैं आपको बाइक करने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय एंड सब्सक्राइब ऑटो कंपेयर।